you all hope are doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अंडे का फूटना जरूरी है, बट अंडे फूटने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में महिलाओं को कितना टाइम लगता है, अंडे फूटने के कितने दिन बाद महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, और जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो महिलाओं की बॉडी में कौन से नए बदलाव सबसे पहले देखे जाते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए क्या होता है, जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो रही होती है, जो नॉर्मली 5 to 7 डेज की चलती है, तो जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे महिलाओं की बॉडी में राइज होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ FSH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन भी पीरियड खत्म होने के बाद से महिलाओं की बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। और इसके साथ इस हार्मोन की वजह से महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं, बट उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। और इसी फॉलिकल के अंदर अंडा भी मैच्योर हो रहा होता है, जो ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि अंडा फूटता है कि फॉलिकल फूटता है। तो गाइस, जो फॉलिकल डोमिनेंट होता है वो रप्चर होता है, वो फूटता है, उसमें से मैच्योर अंडा रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। लाइक 24 से लेके 36 घंटे की जो लाइफ होती है उतना वहाँ पे वो सस्टेन होता है ओवुलेशन का प्रोसेस। और इसके बाद जो एम्प्टी फॉलिकल है, यानी फॉलिकल तो खाली हो जाता है क्योंकि उसमें से मैच्योर अंडा तो निकल जाता है, तो फॉलिकल जो एम्प्टी फॉलिकल है उसमें से एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना शुरू करता है। अगर महिलाओं को वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अंडा फूटने के बाद सबसे पहले तो अंडे को फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। तो फर्टिलाइज होगा तभी जब आप कॉन्टैक्ट में होंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट में स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, स्पर्म एग से मिलेगा और स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। तो एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपका ओवुलेशन के दिन फर्टिलाइज हो सकता है, बट मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है तो 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा, तो आप मान सकते हैं कि 15वें दिन आपका एग फर्टिलाइज हुआ होगा। तो एग फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में 6 दिन का टाइम लगता है, और अंडे फूटने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है, क्योंकि एग फर्टिलाइज जो प्रोसेस है उसे 1 दिन का टाइम लगता है। तो अंडे फूटने के 1 हफ्ते के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रन लाइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया है, जिसे हम इम्प्लांटेशन सफल होना भी कहते हैं, और साथ में प्रेगनेंसी कंसीव होना भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम SCG कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं की बॉडी में नए नए से बदलाव देखे जाते हैं। और उनमें से एक नया बदलाव होता है थकान लगना। थकान लगना गाइस, जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है और जैसे ही इम्प्लांट होने वाला होता है, तो उससे पहले ही महिलाओं की बॉडी काम करना शुरू कर देती है, जैसे महिलाओं को ऑल द टाइम सुबह शाम थकान सी लगी रहती है, सोने का मन करता है, क्योंकि आज जब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम करने लगती है तो ये फीलिंग महिलाओं को महसूस होने लगती है। ये एक दिन की फीलिंग नहीं होती, ये आपको लगातार ऐसा चेंज बहुत ही अर्ली फेज में दिखाई देता है। और इसके साथ मॉर्निंग सिकनेस, यानी आपको मॉर्निंग में ऐसा अचानक से वॉमिटिंग टाइप फीलिंग होने लग जाती है, नौजिया टाइप फीलिंग होने लग जाती है, ये एक दिन की फीलिंग नहीं होती है। अगर एक दिन आपको फीलिंग हो रही है तो हो सकता है कि रात को आपने कुछ गड़बड़ खाया हो, तो उसकी वजह से आपको मॉर्निंग में ये फीलिंग हो रही है, बट जो प्रेगनेंसी की नौजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग होती है ये आपको लगातार रहती है। मतलब फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें अधिकतर महिलाओं को नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग दिखाई देती है, और उसके बाद धीरे धीरे से कम हो जाती है, बट कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 9 महीने नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है, और उनके लिए प्रेगनेंसी को लाइक सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नौजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग, और कई महिलाओं को वॉमिटिंग भी आ जाती है, तो ये भी एक ऐसा लक्षण है जो बहुत ही अर्ली फेज में दिखाई देता है। और इसके साथ गाइज, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो काम कर ही रहा होता है,
और जैसे ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में तेजी से बढ़ोतरी होती है, तेजी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप जो भी खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से जो विंड है, जो गैस नॉर्मली आप पास कर लेते हैं, वो ट्रैप हो जाती है आपके अंदर ही, जिसकी वजह से महिलाओं का गैस का पेन, कॉन्स्टिपेशन का पेन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टूल पास करने में दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं को नाभि के नीचे जहाँ पे आपका यूट्रस है उसके आसपास दर्द होना शुरू हो जाता है, और ये दर्द आपका सिर्फ नाभि के नीचे नहीं रहता है, ये नाभि के नीचे से लेके आपकी कमर में, राइट में, मिडिल में या लोअर बैक में कहीं भी मतलब होता है। और जो आपको नाभि के नीचे पेन है ये भी जहाँ बच्चा इम्प्लांट हुआ होता है, लेफ्ट राइट मिडिल में जहाँ भी बच्चा इम्प्लांट हुआ है उस जगह ये दर्द होता है, ये दर्द बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो बहुत ही अर्ली फेज में देखे जाते हैं। अगर ये बदलाव आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सुन मैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।